विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर पंजाबी मोहल्ला स्थित राज किशोरी सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर राज किशोरी सिंह, डॉक्टर हर्षिता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर काफी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। डॉक्टर हर्षिता ने महिलाओं को स्तनपान के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्तन का दूध प्राकृतिक तरोताजा, सुलभ, सस्ता तथा शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त है। वैज्ञानिक परीक्षणों से स्पष्ट हुआ है कि कोई भी बाहरी दूध माँ के दूध की गुणवत्ता को पूरा नहीं कर सकता। स्तन का दूध बच्चे को संक्रमण से बचाता है। यह देखा गया है कि इससे बच्चे में डायरिया 14 गुण कम तथा निमोनिया 3 से 4 गुण कम होता है। स्तन के दूध में आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जिससे बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या नुकसान है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहली बात, माँ में अगर आत्मविश्वास की कमी हो तो ही वो छूटती है स्तनपान कराने से। अदरवाइज हर माँ को, और ये जो आज हम लोग की प्रोग्राम कर रहे हैं ये सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं, जो कि ऑलरेडी डिलीवरी करवा कर चुकी है या जो प्रेग्नेंट है या उनके घर में कोई प्रेग्नेंट है, उन सभी के लिए ये बहुत लाभकारी है। वो यहाँ पर सुन के गार्जियन अगर उनके हैं, रिलेटिव हैं, तो वो घर में जाकर उन्हें ये जानकारी दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। तो ये आप ये सब संकल्प लीजिए कि आज जो भी जानकारी आपको दी जाएगी आप अपने से चार लोगों में उस चीज़ की इंफॉर्मेशन को पास करेंगे और उनको भी ये बताएंगे। सबसे पहले तो स्तनपान कराने के माँ को क्या फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। माँ को फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही गर्भावस्था के बाद वो स्तनपान कराती है, खास करके अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो आधे घंटे के अंदर उन्हें स्तनपान कराना चाहिए। उससे क्या होता है कि माँ में PPH यानी कि ब्लीडिंग की जो संभावना होती है डिलीवरी के बाद वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा, स्तनपान कराने से फ़ायदा होता है कि जो बच्चेदानी होता है वो सिकुड़ना शुरू कर देता है। बच्चेदानी में जैसे बहुत ऐसी माएँ होती हैं जो कहती हैं कि हमें डिलीवरी के बाद बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होते रहा, बच्चेदानी में दर्द होते रहता है, पेट में दर्द होते रहता है, तो ये सब चीज़ों की संभावनाएँ बहुत कम होती हैं। दूसरा, बच्चेदानी का इन्फेक्शन भी कम होता है। तीसरा सबसे बड़ा लाभ है कि माँ अपने प्री प्रेगनेंट स्टेट यानी कि जो प्रेगनेंसी के पहले की जो उनका बॉडी का फिजिक था उसको पाने में स्तनपान का बहुत बड़ा रोल है। जो माँ रेगुलरली स्तनपान कराती है, खास करके एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसको कि कहा जाता है 6 महीने, यानी कि पूरे के पूरे 6 महीने आपको एक बूंद पानी भी बाहर से नहीं देना है। अंटी ने नलेस की कोई बच्चे के डॉक्टर या हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ आप ये दीजिए, अपनी मर्जी से कोई गुटी, कोई हनी, मध, पानी कुछ भी बच्चे के मुंह में नहीं देते, तो इससे बहुत बड़ा लाभ माँ को मिलता है। और एक सबसे बड़ा लाभ जो माँ को और पूरे परिवार को मिलता है वह है गर्भ निरोध। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा नहीं चाहती है या दूध पिलाने के दौरान, स्तनपान कराने के दौरान ही उनको बच्चा ठहर जाता है। तो अगर कोई माँ अपना ही दूध सिर्फ बच्चे को अगर लगातार 6 महीने पिलाए बिना एक बूंद पानी बाहर से दिए हुए, तो भी कहा जाता है कि मेडिकल साइंस में ये प्रूवन है कि 4 से 5 महीने उनको पूरी कॉन्ट्रासेप्शन का जो फैसिलिटी है वो मिलता है। मतलब वो की माएँ अगर अपना अच्छे से अगर बच्चे को 6 महीने लगातार स्तनपान कराएं तो वह बहुत अच्छे से अपना गर्भ निरोध कर सकते। एक सबसे बड़ा फायदा और एक देखा गया है माँ में कि जो माएँ अपना स्तनपान कराती हैं उनको बच्चेदानी का कैंसर और अंडाशय का कैंसर आगे चल के नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप कोई भी चीज़ बीमारी करेंगे आगे चल के ये बीमारी हम लोग को हो जाए, तो ये तो हो गई माँ के फायदे की बात। अब सबसे ज़रूरी बच्चे को क्या फ़ायदा है। स्तनपान जो है वो बच्चे के लिए सबसे स्वच्छ, सबसे सुलभ, सबसे साफ और सबसे सस्ता उपाय है। कोई भी माँ अगर ट्रैवल भी कर रही है तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है पानी कैरी करने का या पाउडर कैरी करने का। स्तनपान एकदम रेडीमेड है, मिलकर एकदम एडिक्युएट टेम्परेचर पर, एडिक्युएट मात्रा में कितना मिनरल होना चाहिए, कितना विटामिन होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, यह भगवान के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है कोई भी गर्भवती माँ। इसलिए अगर बच्चा मान लीजिए 8 महीने का ही हो गया तो 8 महीने के बच्चे के पेट में कितना प्रोटीन बचेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट बचेगा, उतना ही मात्रा में वो स्तनपान में उपलब्ध होता है, दूध में अवेलेबल होता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कमज़ोर बच्चा है तो हम तो बाहर से डब्बा वाला दूध देंगे, ऐसी कोई बात नहीं।